सो हेलो एवरीवन, सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ काफ़ी कमाल का इन्वर्टर मॉड्यूल, जो कि आपको गाइस काफ़ी सस्ते में जो मिल जाएगा। मैंने इसे जो ऑनलाइन खरीदा, आप चाहे तो ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन थोड़ा महंगा पड़ा गाइस। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको जो है इसके बारे में बताने वाला हूँ, इसके फीचर्स और इसकी कैपेबिलिटी कि कितना लोड ये ले सकता है और आपको कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगाना चाहिए, कितनी वोल्ट की बैटरी लगानी चाहिए, ठीक है। सब गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो यहाँ पे ये पीसीबी बोर्ड है, ये इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी तो नहीं है, पर फिर भी जो है हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें जो है दो यहाँ पे मॉसफेट लगे हुए हैं हीट सिंक के साथ, ठीक है, और यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। तो गाइस हमें जो इनपुट देना है ये डायोड के पास से, हमें एक इनपुट देना बैटरी का, और यहाँ पे जो एक जो बड़ा सा टर्मिनल बना हुआ है गाइस यहाँ पर जो है हमें नेगेटिव वाला देना है हमें, ठीक है। यहाँ पे दो बैटरी के कनेक्शन होंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। वो जो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर में जो लाइन जाएंगे हमारे तीन वायर जो जाएंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, उसको मैं बाद बताऊँगा। पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ गाइस, ये जो एक पोटेंशियल मीटर है, इससे आप जो मेगा हर्ट्ज इसकी सेट कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको इसे छेड़ना क्योंकि जो कंपनी है ये 50 मेगा हर्ट्ज पर इसे सेट करके देती है। अगर आप थोड़ा इसके साथ छेड़खानी करोगे तो आप हो सकता है जो आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी आए उसकी जो मेगा हर्ट्ज वो कम ज़्यादा हो, सकता है आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट है उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है जो भी आप इसे यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पे एक जो है यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है जो कि इसकी मेगाहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, और यहाँ पे जो है दो बड़े बड़े डायोड्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो अभी मैं जो है आपको यहाँ पे सिंपली जल्दी से इसके सारे कनेक्शन भी समझा देता हूँ कि आउटपुट में कहाँ पे जाएंगे। तो गाइस जो है आप यहाँ पे दो हीट सिंक देख रहे हो बड़े बड़े, इसी में जो है दो आपको ट्रांसफार्मर के सबसे एक साइड एज वाले वायर लगाने हैं, और बीच वाला वायर जो है आपको नेगेटिव वाले बैटरी के साथ ही कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब गाइस आपको जो है कुछ इस तरीके का यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाना है, ठीक है। 12 वोल्ट इनपुट जो सॉरी आउटपुट जो देता है, ठीक है, आप जो है जहाँ से वो आउटपुट देता है ट्रांसफार्मर उसी में जो है आपको इनपुट इसका दे देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं दो येलो वायर और एक ब्लैक वायर जो है, इसी से जो है हमें यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। तो गाइस हम क्या करेंगे, सिंपली इसी को जो है यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे जो हमारा रेड वाला वायर है यहाँ से हमें आउटपुट 220 वोल्ट मिलेगा, जिससे हम कोई भी चीज़ चला सकते हैं। हमें ये जो है अमेजोन पे दिया हुआ था कि ये जो है यहाँ पर 100 वाट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस इससे एक जो है काफ़ी कमाल का इन्वर्टर बनाऊंगा, उसकी चेक करूंगा कि जो है कितना वाट ही प्रोड्यूस कर सकता है और हम इससे क्या क्या चीज़ चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा कैपेसिटर दिया हुआ है, उसके बगल में जो डायोड है यहीं पर हमें जो ये ब्लैक वाला वायर लगाना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहीं पर हमें ब्लैक वाला लगाना है, और जो दो येलो वाले वायर है हमें जो है यहाँ पर लगाना, दोनों हीट सिंक पर कनेक्ट कर देना अच्छे तरीके से। जहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ है इसे खोल के आपको जो है सिंपली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट निकलने की जरूरत नहीं है। और गाइस जो नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी कमाल का यहाँ पे इन्वर्टर बनाने वाले, तो गाइस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाए आराम से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं जो है ये इन्वर्टर बना के दिखाऊंगा आपको। अभी तक बस मैं जो है इसके यहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसका इन्वर्टर भी बनाऊँगा।